प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल के विकास को लेकर दिल्ली की सरकार हमेशा तत्पर है। पीएम मोदी ने हिमाचल के फल उत्पादक का भी अपने संबोधन में जिक्र किया। दिनों में हिमाचल के फल उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा मिलने वाला है। ये जितने बॉटल में सब पानी बेचते हैं ना, कलर वाले, कितने महंगे होते हैं, कोका कोला, फैंटा, पेप्सी, न जाने क्या क्या। हमने उनको कहा है, भाई ये जो आप एरेटेड वाटर देते हैं, कम से कम 5% नेचुरल जूस उसमें मिक्स कीजिए, सच्चे पक्के फलों का रस उसमें होना चाहिए। अगर 5% भी डालते हैं, फलों के व्यापारी को माल बेचने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब नागपुर के अंदर काम कोका कोला के साथ, पेप्सी के साथ शुरू हो गया है, और वहां जो संतरे पैदा होते हैं, 5% संतरे का रस ऑफिशियली डाला जा रहा है। आने वाले दिनों में हिमाचल के किसानों को भी इसका लाभ मिले, मैं इन कंपनियों के साथ लगातार बात कर रहा हूं। हिमाचल के जीवन में टूरिज्म का बाहुल्य है, इसको हम स्वीकार करते कैसे आगे बढ़े। भारत सरकार हर पल हिमाचल की प्रगति के लिए आपके साथ खड़ी है। हम विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। यहां एम्स का निर्माण करना है, यहां पर आज हाइड्रो इंजीनियरिंग का विषय किया, यहां के नौजवानों को उत्तम से उत्तम शिक्षा के अवसर मिले, यहां पर हिंदुस्तान की जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं हिमाचल को प्राप्त हो, ये भारत में दिल्ली में बिठाई हुई ये भारत सरकार आपके साथ खड़ी है।